वो सदन में नहीं आए, लेकिन उनके महागठबंधन, उनके दल के विधायक हम सारे लोग थे। जब हम लोग की बातों को, जो बिहार के मामले को उठाते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से दोनों सदन से पास होकर गया था, और ये मांग बहुत पुराना है। जब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, उन्होंने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से मांग किया था, तब से आवाज उठने लगी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे आरक्षण को जो मिला है, जो जातीय गणना हुई थी उसमें जो विस्तार किया गया था आरक्षण का दायरा, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग हम लोगों ने सदन में उठाया था। एक भी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। जब हमारे नेता होते उस समय तो शायद ये सरकार खाली कर और विधानसभा भाग जाती, तो उनके अनुपस्थिति में भी हम लोगों ने जोरदार ढंग से सरकार को घेरने का काम किया। सरकार निरुत्तर हो गई और कहीं कुछ नहीं कर पाई सरकार, न आरक्षण के मामले को, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उस मामले को भी हम लोगों ने रेज किया था, उसका कोई उत्तर नहीं और न विशेष बहस उस पर कराने का। सदन में तो आप लोगों ने घेरा, सड़क पर आप तेजस्वी कैसे घेरेंगे? कब से? सदन से लेकर, मैं पहले भी कहा था कि सदन से लेकर सड़क तक हम लोग बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिले ये हम लोग मांग करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी अगस्त महीने में ही 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और जो आरक्षण का दायरा उन लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं अनुसूची में सरकार ने शामिल नहीं किया, इस वजह से ही और अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और कई मुद्दे हैं जिसको हमारे नेता गांव तक जाएंगे और लोगों को जगाने का काम। क्या यात्रा का नाम होगा सर ये? अब यात्रा का नाम अभी तय नहीं हुआ, लेकिन यात्रा का नाम तय, दमदार यात्रा होगी, दमदार यात्रा। सम्राट चौधरी जी भी बने थे प्रदेश अध्यक्ष, उनको इसलिए बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष कि बिहार में जो महागठबंधन उसका सुपड़ा साफ किया जाए। मैं पहले ही कहा था कि सम्राट चौधरी जी आपकी यूज एंड थ्रू होगा और चुनाव के बाद आप नहीं रहेंगे। मेरी भविष्यवाणी जो है सही निकली और उनका यूज किया बीजेपी वालों ने और उनको हटा दिया। नए प्याज खाने आए हैं जायसवाल जी, इनका भी हाल 25 के बाद ये भी चले जाएंगे। इसलिए ये कुछ कह रहे हैं, बोल बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, बोलने की इजाज़त है और नहीं बोलेंगे तो ऊपर वाले कैसे खुश होगा, इसलिए बोल रहे हैं और 25 में इनकी भी विदाई है। कि स्मार्ट मीटर तो बिहार में लगना ही नहीं चाहिए, और स्मार्ट मीटर लगाने का क्या पर्पस है भाई, हमको समझ में बात है, आपका मीटर पर विश्वास नहीं है। आप संजीव हंस को ये छूट दे रखा है कि स्मार्ट मीटर में बहुत खराबी है, आज अगर आज 1000 का बिल भराते हैं तो 10 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। आप बॉल जलाते हैं, केवल पंखा चलाते हैं, वो खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लौकुना है और संजीव हंस जी इसी से अरबों रुपया कमाए हैं। और आज इंस्ट्रक्शन दिया गया कि गांव में अगर नहीं लगाएगा तो गांव का बिजली काट दिया जाएगा, ये तुगलक की फरमान का मैं विरोध करता हूं और ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि स्मार्ट मीटर जो लगाना चाहता है वही उपभोक्ताओं को लगावे, जो नहीं लगाना चाहते हैं उनको न लगावे। इस पे बहुत बड़ा घपला है और बाहरी एजेंसी है जो संजीव हंस को अरबों रुपया दिए है और सरकार भी उसमें शामिल है।